हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप मेरे जैसा जो ये अपना ओप्पो फ़ोन का जो सारा ऐप्स का कहीं का भी फंड आप अपना कैसे चेंज करें। आप बहुत सारे तरीके का फंड इसमें लगा सकते हैं। देखिए, मेरा सब जगह का फंड चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। जैसे कि इसका ओरिजिनल फंड ये वाला है, ये देखिए, इसमें जो डेट वाला फंड है ना, ये वाला फंड इसका ओरिजिनल है। और मैंने इसे ओ क्या नाम है उसे ओ ओप्पो मतलब ओप्पो में फंड डाल के मैंने ऐसा फंड इसमें डाल दिया है। आप बहुत सारा तरीका फंड डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। मेरा ये वीडियो बहुत दिन के बाद मैंने निकाला है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चलते थे और मुझे टाइम भी नहीं मिलता था उतना। आज मुझे टाइम मिला और मेरे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं, तो मैं आज ने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने ओप्पो फ़ोन का फंड आप कैसे बदले, ठीक ना, ओप्पो फ़ोन का फंड। तो फ्रेंड्स, चलिए और आप बस देखते रहिए, बीच में वीडियो छोड़ के जाइए मत, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने क्या क्या स्टेप किया। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना सेटिंग्स में चल जाइए। आप यहाँ से भी सेटिंग्स में जा सकते हैं, यहाँ से, या चाहे तो यहाँ से सेटिंग्स में जा सकते हैं आप। उसके बाद आप चल जाइए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। रुकिए, पहले मैं अपना ये वाला मिटा देता हूँ फंड, ताकि मेरा नॉर्मल फंड जैसा हो जाए। देखिए, मैंने सेटिंग्स खोला, यहाँ आपको मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आपको मिलेगा फंड, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको सीधा 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 देखिए, आपका ऐसे क्लिक किया रहेगा, देख लीजिए, आपका कुछ इस तरीके का क्लिक किया रहेगा और आपका फंड कुछ इस तरीके का रहेगा। आप यहाँ से ऊपर में चल जाइए, ऑनलाइन फंड्स। आप इसमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर मैं ओप्पो के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। फिर आप ओप्पो के लिए डाउनलोड कर लीजिए, मैं ये वाला डाउनलोड करूँगा। देखिए, मेरा ये डाउनलोड में लग गया है, अभी तुरंत ये डाउनलोड हो जाएगा, देखिए बस। देखिए, मेरा डाउनलोड होना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, मैं और एक बार आपको बोल दे रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। मेरा व्यूज़ थोड़ा कम होता होगा, मेरा व्यूज़ बहुत सारे वीडियोस में कम आते होंगे, क्योंकि मैं अभी नया चैनल खोला हूँ ना, किसी भी पेड़ को एक बड़ा होने में टाइम लगता है। ये इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो गया है मेरा, देखिए, और ये इंस्टॉल हो गया। अब आप सिंपली ये सब कट कर दीजिए। अब आप सेटिंग्स में फिर चल जाइए, फिर चल जाइए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस फंड्स में। तो अब देखिए, मेरा लोड लोड ये देखिए हो गया। देखिए, अब आप अपना अब इसमें अब ये सब ये सारे जो है ना, सब अलग अलग फंड्स है, देख लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला सेट किया और अप्लाई दबा दिया, हो गया जी, कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर। और आप चाहे तो आप देखिए,
अब इसमें प्ले स्टोर में भी ना देखिए, जैसे कि आप प्ले स्टोर में टाइप किए ना, देखिए देखिए प्ले स्टोर में मैंने टाइप किया तो देखिए लिखाएगा भी वैसे ही, सारा चीज़ पूरा सेम हो गया। अब खाली ये, खाली आपका जो कॉन्टैक्ट का नाम है और जो व्हाट्सएप में जिसका जिसका आप नाम रखे, खाली वो सब नहीं बदलेगा, जैसे कि ये वाला ठीक है, और ये वाला देखिए फोन का, और फोन का बस आपका नहीं बदलेगा बस। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मैं तो आपको बस यही बोला था कि आप अपना मोबाइल का, ओप्पो मोबाइल का फंड्स आप कैसे चेंज करें, ये मैं बस आपको ये वीडियो में बता रहा था। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई लेटेस्ट वीडियोस के लिए, वीडियो में।